आपके फिंगर नेल के अंदर सोचिए कि बिलियंस ऑफ स्विचेस हैं, यानी कि बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं एक बहुत ही छोटे से एरिया के अंदर। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी काफी ज्यादा टफ है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यही वजह है चिप की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है। चिप कैसे बनता है शुरुआत से अंत तक, जो भी इसके मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। बताने का मतलब ये है कि मैं आपको ये कर दूं कि आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएं और आपको किसी और ब्लॉग या वीडियो पे नहीं जाना पड़े। अगर आप किसी चिप को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो आपको लगेगा कि एक चिप के अंदर पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है, जिसके अंदर आपको मल्टी लेवल और मल्टी लेयर आपको हाईवे बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इतने छोटे से चिप के अंदर इतनी सारी चीजें इंप्लीमेंट करना, इतने सारे चीजों को प्लेस करना सही जगह पे ताकि वो सही ढंग से काम कर सके, हमें जरूरत है एक बेहतर डिजाइन की और ये जानने की कि वो कैसा बनेगा या फिर हमें कैसा बनाना है, जिसके की अंदर मेनली तीन चीजें आती हैं। पहला आता है चिप आर्किटेक्चर, दूसरा आता है लॉजिक डिजाइन और तीसरा आता है सर्किट डिजाइन। और जब ये डिजाइन फाइनलाइज हो जाता है तो ये जाता है मास्क इंजीनियर के पास। मैं इस पॉइंट पे फिर से आता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा ये जान लीजिए दोस्तों, सैंड में सिलिकॉन अबंडेंटली अवेलेबल है, बट सिलिकॉन के साथ यहां पे आपको ऑक्सीजन भी मिल जाता है। तो सिलिकॉन के सेपरेशन और इसके प्यूरिफिकेशन के लिए जो भी सिलिकॉन कंटेनिंग सैंड है उसे हाई टेम्परेचर के अंदर हीट किया जाता है, और ये सारा कुछ होने के बाद जो एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपको होता है एक मोनोक्रिस्टलाइन इनगट। इनगट का मतलब यहां पे सिलिकॉन का एक मास या फिर सिलिकॉन का एक ब्लॉक जिसके की अंदर एक प्योर सिलिकॉन होता है, और ये जो सिलिकॉन होता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड का सिलिकॉन होता है। और जब इस इनगट को स्लाइस करते हैं तो एक आपको डिस्क वहां पे दिखेगा, उस डिस्क को ही बोलते हैं वेफर, जिसे कि बाद में पॉलिश किया जाता है। हालांकि वेफर के साइजेस तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहां पे इस इमेज के अंदर आप जो वेफर देख रहे हैं वो आपको 300 mm का वेफर है। 300 mm का मतलब यहां पे डायमीटर से है, डायमीटर का मतलब त्रिज्या व्यास से है, यानी कि इसका डायमीटर यानी कि व्यास आपको 300 mm का है। अब चलते हैं फिर से वही जहां पे कि मैंने आपको छोड़ा था डिजाइनिंग पे। तो मैं यहाँ पे मास्क इंजीनियर की बात कर रहा था। तो मास्क इंजीनियर का मेन काम होता है कि जो भी आपने डिजाइन बनाया है उस कंप्यूटर डिजाइन को एक टेम्पलेट का रूप देना, एक स्टेंसिल का रूप देना, एक मास्क का रूप देना। स्टेंसिल तो शायद आप समझ रहे होंगे, आजकल घर के दीवारों पे जो पैटर्न बनता है उसके अंदर भी स्टेंसिल्स का यूज किया जाता है, और एक स्टेंसिल टेम्पलेट या फिर मास्क बनने में लगभग 5 दिन का समय लग जाता है। तो जो वेफर था उसके ऊपर फोटो रेसिस्ट मटेरियल को डाला जाता है, स्प्रेड किया जाता है, और स्प्रेडिंग काफी सही से हो, काफी इवनली हो, इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, यानी कि उस वेफर को, उस डिस्क को घुमाया जाता है और उसके ऊपर गिराया जाता है फोटो रेसिस्ट मटेरियल को, ताकि वो पूरे डिस्क पे सही तरीके से फैल सके। जैसे कि पहले कैमरे के रील के अंदर, कैमरे के फिल्म के अंदर आप किसी भी इमेज को क्लिक करना चाहते थे तो सामने शटर खुलता था, लाइट अंदर जाती थी और उस रील से टकराती थी, और यहाँ पे आपका फोटो या फिर किसी का भी फोटो यहाँ पे छप जाता था। ठीक ऐसा ही यहाँ पे कुछ काम आगे चल के होगा, इसलिए यहाँ पे डाला जाता है फोटो रेसिस्ट मटेरियल को। और उस वेफर के अंदर प्रिंट कैसा होगा ये डिसाइड करता है टेम्पलेट, और टेम्पलेट कहां से आता है, वो आता है जो भी डिजाइन पहले हुआ था, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो फोटो लिथोग्राफी के अंदर आपको यही होता है कि ऊपर से आपको यूवी लाइट दी जाती है जो कि टेम्पलेट से टकराती हुई वेफर के अंदर जाती है, लेकिन टेम्पलेट का साइज बड़ा होता है, लेकिन यहां पे आपको वेफर के अंदर जो डाई बनेगा वो काफी छोटा होगा, यानी कि फिंगर नेल के साइज का होगा। इसलिए इसे छोटा करने के लिए, यानी कि टेम्पलेट से जो भी लाइट टकराएगी उसे छोटा करने के लिए बीच में लगाया जाता है लेंस। और ये फोटो लिथोग्राफी और साथ में इचिंग वाली प्रोसेस जो है वो बहुत बार की जाती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई एक चिप बनता है तो उसमें आपको मोर देन 50 मास्क की जरूरत होती है। सिलिकॉन क्योंकि एक सेमीकंडक्टर है इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और इसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी को चेंज की जा सके इसलिए इसके अंदर जानबूझकर यानी कि इंटेंशनली इसके अंदर इंप्योरिटी को मिलाया जाता है, जो कि होता है पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट मटेरियल, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या फिर होल इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी यानी कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिव प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज हो जाती है। अगला होता है मेटल डिपोजिशन। इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो भी ट्रांजिस्टर्स हैं एक डाई के अंदर, जो कि बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, उन सारे ट्रांजिस्टर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है, और ये सब होने के बाद वेफर की कटिंग की जाती है, और कटिंग के बाद जो निकल के एक छोटा सा आपके फिंगर नेल के साइज का जो भी मटेरियल लास्ट में बचता है उसे ही कहते हैं डाई। इसके बाद इस डाई की टेस्टिंग की जाती है, फिर पैकिंग की जाती है, जो कि आप देखते हैं चमकती हुई चीज जिसके की ऊपर आपका हीट सिंक लगा हुआ रहता है, और इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सबस्ट्रेट और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हीट स्प्रेडर, और हीट स्प्रेडर के ऊपर ही आप थर्मल पेस्ट लगा के हीट सिंक लगाते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद ये होता है एक रिटेल बॉक्स के अंदर पैक,
या फिर जो भी कंपनी कंप्यूटर बनाती है, जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, या फिर जो भी कंपनी ऑटोमोबाइल वाली कंपनीज हैं, उनको भी इस चिप की जरूरत होती है और इस बने हुए चिप को फिर वहां पे भेज दिया जाता है। मैंने बस वही पॉइंट डिस्कस किया है जो कि इम्पोर्टेंट था। मल्टीपल प्रोसेस यानी कि बहुत सारे प्रोसेस और कई दिनों के बाद एक फाइनल चिप बन के तैयार होता है। वीडियो जरा सिंपल रखना था और ऐसा जिसमें कि आप थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा ज्यादा जान पाए, और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।